जन्नत वो एंड तक देखो बाप। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस अभी हम आज जा रहे हैं रोहतांग और हम अटल टनल से होते हुए जाएंगे और आपको बताएंगे वहाँ का नज़ारा। आई होप सो कि वहाँ पर बहुत अच्छा व्यू मिले हमें देखने को। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, लेट्स गो गाइस। ओ गाइस वो पहाड़ों पे व्यू देख लो गाइस, वो देखो गाइस एंड व्यू हो रहा है वहाँ पर। एकदम काली घटा छाई हुई है मुझे लग रहा है रोहतांग में, तो एकदम खतरनाक व्यू देखने को मिल रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। मैं लगता है जिस पास धुप नहीं ना पैंती इन्ने बजे 12-11-1-2 बजे तो लैके 3-4 बजे उस जगह फिर मशहूर हो जाती है। नहीं अभी हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली, और ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रही है सोलांग वैली को। तो गाइस अभी हम सोलांग वैली नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधे रोहतांग, क्योंकि ऊपर पहाड़ों का व्यू देख कैसा लग रहा है कि वहाँ पे मौसम एकदम हो रखा है एकदम बढ़िया। तो हम जाएंगे फटाफट से, पहुँचेंगे ऊपर रोहतांग और फिर आपको बताते हैं वहाँ का व्यू। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि वहाँ जल्दी से पहुँचे, क्योंकि ऊपर का व्यू देख के तो मज़ा ही आ रहा है, दिल खुश हो रहा है। Awesome view यार, बड़ा बढ़िया लगता है यार, ऐसी जगह हो गया। ओ भाई साहब पहाड़ी की टॉप देख रहे हो, मन कर रहा सीधे उधर जाके ब्रेक लगाए यार, ऑसम। एक्साइटमेंट हो रही है मेरे मन में कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊँ यार भाई साहब। ये देखो गाइस एंड एकदम जहरा भाई साहब मौसम देख रहे हो। ये देखो गाइस साइकिल पे आते हुए कितने ऑसम लग रहे हैं, एंड सही मज़े तो ये साइकिल वाले ले रहे हैं यहाँ के मौसम के। तो गाइस अभी हम पहाड़ों के बहुत पास आ चुके हैं, आप वो सामने व्यू देख रहे हैं, बादल एकदम बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर ही आ चुके हैं और हम बादलों में जा रहे हैं। वाओ ब्यूटीफुल व्यू देखो गाइस, एकदम ऑसम। और अभी हम आए टनल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर और हम पहुंचने वाले हैं टनल में, तो चलिए हम आपको मिलते हैं सीधे टनल के बाहर। वो देखो गाइस व्यू सामने पहाड़ पे दिख रही है बर्फ पड़ी हुई, एंड व्यू दिख रहा है। अगर ऐसे भी पड़ा होगा मास्क वाला सारे राइडर से हो ना थे। ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਚਾਲੀ ਭਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਟੋ ਚਾਲੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਣਾ ਫੋਟੋ ਚਾਲੀ तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अटल टनल की एंट्री पे, यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, वो फ़ोटोज़ का एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा स्लाइड डालूंगा, तो वहाँ पे आप सारी फोटोज देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टनल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। गाड़ी तक करी रखी है मैंने, कोई गल नहीं। एंट्री अटल टनल रोहतांग 10,040 फीट पे, यहाँ की जो आऊंगी फोटो हम अभी सी लेवल से 10,040 फीट पे है। सी लेवल से ऊपर कितनी हाइट पे हम आ गए हैं वो लिखा हुआ है 10,040 फीट। खुली है उधर ना करो बाहर आ जाओ, मोदी तो पे खोल ली
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ हमें पता नहीं था यहाँ पे सिलेंडर अलाउ नहीं है टनल्स के अंदर, तो अभी हम यहाँ पे सिलेंडर साइड पे छोड़ रहे हैं। हमने तो लिया था साथ में, चलो जाएंगे वहाँ पर रोहतांग, खाने को कुछ नहीं मिलेगा अगर रास्ते में अच्छा सा, तो कोरोना चल रहा है तो हम खुद अच्छा सा अपने लिए हेल्दी बना के खा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमने यहाँ पे छोड़ दिया और हम अभी एंट्री कर रहे हैं टनल में। तो ये देखिए टनल के नज़ारे, जन्नत वो एंड तक देखो जिथे पास मंगा मुड़ जाएंगे रोड के। थल जाना
ओह गाइस, बाहर हवा इतनी तेज़ थी ना, मैं 2 मिनट के लिए बाहर निकला वीडियो बनाने के लिए, मेरे कानों में से हवा ऐसे निकल रही है जैसे पता नहीं क्या है, कान को हाथ नहीं लग रहा, इतने दर्द हो गए, इतनी ठंडी हवा, ओह बुरी हालत हो गई है। गाड़ी में बैठे ना तो ऐसा लगा स्वर्ग में आ चुके हैं। सो गाइस, ये व्यू देख रहे हो आगे, ये सारा रोहतांग का व्यू है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। और ये क्या है यहाँ पर, ओह गाइस यहाँ पे आप टेंट भी ले सकते हो रहने के लिए, यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं। वाकई यार भाई, एंड जगह पे घर होता है, मैं नहीं गंदे ले। लद्दाख की रोड भी ऐसी ही है, उसकी रोड तो बड़ी खराब है ले लद्दाख की, ये तो बहुत सुंदर अच्छी रोड है। तो लो भाई लोग, हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास की एंट्री पे। यहाँ पर पास दिखाना पड़ता है जो कि हमने अभी बनवाया नहीं है, अभी भैया जाएंगे उतर के वहाँ पर पूछ के आएंगे क्या सीन है पास का। तो गाइस, भैया गए थे पूछने के लिए पास के लिए, तो वो कह रहे थे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी 500 फीस रहती है, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा। तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, फिर हमें 5-6 किलोमीटर नीचे आना पड़ा वापस। तो हमने नीचे आके वो पास अप्लाई किया, वो पास बनवाया, अभी हम फिर से दोबारा से वापस ऊपर जा रहे हैं और वहाँ जाके तो फिर उनको दिखाते हैं पास, तो फिर देखते हैं एंट्री होने देते हैं या नहीं। अभी तो उन्होंने बोला कि प्रिंट आउट निकलवाना चाहिए, बट अभी प्रिंट आउट के लिए हमारे पास है नहीं कोई, तो देखते हैं आगे। तो गाइस भैया गए हैं अभी पास दिखाने के लिए उनको कि ये देखिए हमने पास बनवा लिया है, अभी हमारी एंट्री होने दीजिए। वहाँ पे हमारी गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ नोट करेंगे कि ये गाड़ी यहाँ से ऊपर गई है, पता नहीं अब आगे क्या सीन है, मानते हैं या नहीं। अगर नहीं मानेगा मैं वापस फिर कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा नीचे जाके, प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये स्टाइल देखो, स्वैग देखो, ये सीधी रोड है, कोई खराब नहीं, कुछ नहीं गंदा। हूँ कौन रस्सी ना चुकी था, मैं मारना पड़ा ही आगे नहीं। तो गाइस एंट्री हो चुकी है हमारे यहाँ पर, पहले तो वो मान नहीं रहे थे, भैया ने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि भैया अब जाने दो, अब वापस इतने नीचे जाएंगे, यहाँ अगर यहाँ पे प्रिंट आउट निकलता था निकलवा दो। अब हमने बुकिंग करवा दी, फीस दे दी, सब कुछ कर दिया, फ़ोन में दिख तो रहा है कि हाँ करवा दी, अभी भी तो जाने दे रहे हो। तो फिर बहुत मुश्किल से उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं चले जाओ। तो हम निकल चुके हैं रोहतांग के लिए, अब आपको बताएंगे आके खतरनाक व्यू, वाह। सो गाइस, अभी वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी, तो अभी हम इसी के साथ इस वीडियो के पार्ट का करते हैं एंड। अगला पार्ट इसका भी हम जल्दी लेके आएंगे, अभी तो मज़े आने स्टार्ट हुए हैं गाइस, तो अभी जल्दी ही हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे और आपको बताएंगे पूरे खतरनाक व्यू। और रोड देख रहे हो, एकदम तो मक्खन रोड है, मज़ा ही आ रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे वहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है, रोहतांग की रोड ऐसे ही है वैसे है, मुझे तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन लगा नहीं। तो गाइस किसी की भी बातों पे मत आएँ, एक बार खुद जाके वहाँ की रोड का एक्सपीरियंस करके आएँ। आप जाके एक बार वहाँ पे ड्राइव करेंगे ना, आप ये तक सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं रोहतांग ही जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ। इतनी अच्छी रोड बनी है ना, इतनी ए क्लास रोड बनी हुई है ना, ड्राइव करने का तो मज़ा ही आ गया। अब खुद देख सकते हैं एक भी खड्डा नहीं है गाइस रोड, इतनी एंड रोड बनाई हुई है। चलिए गाइस मिलते हैं पार्ट 2 में, टेक केयर।
ओहो बाइकर्स बाइकर्स